जय श्री राम सभी भक्तों को। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाम जप में मन ना लगने का कारण अभी जान लो, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि जब तक नाम जप में मन नहीं लगेगा, तब तक आपको लाभ भी नहीं हो सकता। लाभ प्राप्त करना सभी चाहते हैं, और लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मन को लगाना ही पड़ेगा। सबसे जो मुख्य कारण है, हम आपको वो चार कारण बताएंगे, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। नंबर एक है कि जीवात्मा यानी कि हम अपने सामर्थ्य को भूले हुए हैं, और जब तक हम अपने सामर्थ्य को भूले हुए होंगे ना, यानी कि भूले रहेंगे, तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते। क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, वो सामर्थ्य है जिससे हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को जगाना होगा कि हम जो चाहे कर सकते हैं। यानी कि हमारा मन नाम में लगे ना लगे, हमें जबरदस्ती लगाना होगा। आप जबरदस्ती लगाने लग गए, निरंतरता ले आए, तो फिर एकाग्रता भी अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लाएं कि हमें नाम जपना ही जपना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी शक्ति को याद करें। नंबर दो, साधारण चेष्टा करके बार बार विफल होने से निराशा सी होने लगती है। यानी कि हमने साधारण चेष्टा की नाम जपने की, हमें सफलता नहीं मिली, फिर की कोशिश, फिर सफलता नहीं मिली, तो हम मायूस हो जाते हैं। और ऐसा होते होते हम साधन को ही छोड़ देते हैं, यानी नाम जपना छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें, साधारण चेष्टा ना करें, प्रबल चेष्टा करें, बार बार करें, तो विफलता मिलेगी नहीं। शुरू शुरू में मिलती है, ये नेगेटिविटी परेशान करती है, लेकिन निरंतरता से आप करते रहे तो आपका मन नाम में लगने लगेगा। नंबर तीन, मन को हमने स्वतंत्रता दे रखी है। मन खुला घूम रहा है, स्वतंत्रता दे रखी है। जब तक इसको रोकोगे नहीं, तब तक ये रुकेगा नहीं। जैसे कोई समर्थ पिता, स्ने आसक्तिवश बालक को स्वतंत्रता दे देता है, जिससे बालक की आदत बिगड़ जाती है और वह उद्दंड होकर मनमाना आचरण करने लगता है। परंतु वही पिता जब बालक की स्वतंत्रता छीन कर अपनी शक्ति का बड़ी सावधानी के साथ पूरा प्रयोग करता है और साम दाम आदि नीति से उसे वश में करने की चेष्टा करता है, तब संभवतः वह बिगड़ा हुआ बालक पुनः ठीक रास्ते पर आ जाता है। बस यही दशा मन की है। मन स्वतंत्र होकर उद्दंड हो गया है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य की ओर ध्यान देकर साम दाम आदि नीति के द्वारा मन की बुरी आदत को दूर कर उसकी उद्दंडता का नाश करके उसे ठीक राह पर लाने के लिए तेजी से अभ्यास करे। बालक तो शायद पिता के शक्ति प्रयोग करने पर भी उद्दंडता छोड़कर ठीक राह पर न आए, परंतु मन के लिए तो दूसरा आश्रय ही नहीं है, उसे तो बाध्य होकर ठीक रास्ते पर आना ही पड़ेगा। संभव है कि पहले पहले कुछ निष्फलता सी हो, परंतु उत्साह कम न होने देना चाहिए। निष्फल होने पर भी पूर्ण उत्साह से पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिए। उत्साही पुरुष निश्चय ही मन को अपने वश में कर लेते हैं। यह याद रखना चाहिए कि आत्मा के सामने मन की शक्ति अत्यंत तुच्छ है। आत्मा मन की अपेक्षा सब प्रकार श्रेष्ठ और बलवान है। भगवान कहते हैं गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 42 में, इस शरीर से तो यानी कि इंद्रियों को परे श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इसलिए भगवान
मन को जीतकर आत्मा को हानि पहुंचाने वाले आसक्ति रूप काम को मारने का आदेश देते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 43। हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे यानी सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। यानी कि हम में इतनी शक्ति है हमारी आत्मा में, हम उसको भूले हुए हैं। अपनी उस सामर्थ्य को हमें जानना होगा, तभी जो है हमारा नाम में मन लगेगा। और चौथा और अंतिम है, विषयों में जो आसक्ति है, संसार में जो हम आसक्त हो रखे हैं संसार के सुखों में, उसमें आसक्त नहीं होना, उन भोगों को भोगना है, उनमें फंसना नहीं है। वहां पर आप फंस गए तो आपका मन कभी भी भगवान नाम में लगेगा नहीं। तो वहां से आसक्ति को हटाइए, उनको भोगिए और नाम में निरंतर, नाम यानी कि भगवान नाम में मन को निरंतर लगाइए, तो अवश्य ही वो लगने लगेगा। और जिस पल जिस क्षण वो भगवान नाम में लग गया, उस समय असंभव कार्य भी तत्काल संभव हो जाते हैं, एक पल की भी देरी नहीं लगती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप जरूर लाभ उठाएंगे। और यदि ये आपको पसंद आई तो दूसरों के पास भी शेयर करें। और यदि आप हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9958515054, इस पर मैसेज करें। और 23 जून के दिल्ली के शिविर में आना चाहते हो तो भी इस नंबर पर जल्द से जल्द मैसेज करें। सीटें लिमिटेड हैं, ऑलमोस्ट जो है फुल हो चुकी हैं, फिर भी आप कर दें। कोई मना करेगा तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे तो सब कुछ फ्री है, साधना शिविर भी सब कुछ फ्री है और ऑनलाइन दीक्षा भी फ्री है, फिर भी अपने भाव से कोई साधक सेवा देना चाहता है तो 9643745467 पर दे सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।